फैसलाबाद जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी की जानिब से रिसर्च से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का अहवाल जानते हैं हनान बुखारी से। हनान अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की जीसी यूनिवर्सिटी में, वुमेन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आईसेट्स की जानब से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जानब से वर्कशॉप का इनकाद किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद आज यहाँ पे इनकाद करने का ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और दीगर स्टूडेंट्स हैं, उनकी जानब से रिसर्च के काम के लिए प्रपोजल लिखे जाते हैं ताकि उनको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जानब से फंडिंग हो। तो वो प्रपोजल किस तरीके से लिखे जाएँ और उनको किन किन ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाए ताकि आपको रिसर्च के लिए फंडिंग हो सके, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज इस वर्कशॉप के अंदर बताई जा रही है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो भी इन चीज़ों को सीख रहे हैं और इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आज काफ़ी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, आज की कॉन्फ्रेंस से कुछ सीखने को मिला आप? जी एक्चुअली मैं पहले अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी। आईसेट एक्चुअली एक इंटरनेशनल, दिस इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यूके में बेस्ड है, कोवेंट्री में, और ये 2007 में फर्स्ट टाइम फाउंड की गई थी बाय डॉक्टर फारूक शेर। और इससे हमारा जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो यही है ताकि स्टूडेंट्स और जो दूसरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में कोलेबरेट करके रिसर्च कर सकें, ताकि वो सब जो है पूरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलप्ड कंट्रीज से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। और आज की वर्कशॉप के बारे में मैं कहना चाहूँगी, आज हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इस तरह से हमें पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल लिखना है, या फिर हमें यहाँ पे बहुत से फैकल्टी मेम्बर्स जो थे उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक सेशन था जिसमें बताया गया कि वो HEC से या किसी भी फंडिंग चाहते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वो किस तरह से वो फंडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, बड़ी ही जो चीज़ें हैं अच्छी वो बताई जा रही थी। यहाँ पे डॉक्टर्स मुख्तलिफ मौजूद हैं जिनकी जान से लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, उन लेक्चर्स के अंदर बताया जा रहा है कि HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन से अगर PhD के लिए रिसर्च के लिए आपको फंडिंग चाहिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए तो वो कैसे अप्लाई किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया की 500 कदीम तरीन यूनिवर्सिटी। ठीक है हनान, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41।